मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नायक फिल्म के सीन की याद ताजा कर दी, जब उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के दो शिकायतकर्ताओं को खुद फोन लगाया और सबसे पहले कहा कि मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूं। दरअसल सीएम स्मार्ट सिटी कार्यालय में अफसरों के साथ बैठक के दौरान पहुंचे थे और सीएम हेल्पलाइन के विषय में जानकारी मांगी, तुरंत दो शिकायतकर्ताओं से बातचीत भी की, उनकी समस्याएं भी सुने। हाँ, डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ, उच्च शिक्षा मंत्री पहले था और अब मुख्यमंत्री हूँ आपके लिए। ये साधु जी का नंबर है? अच्छा चलो मैं देख पाता हूँ, है ना, मैं आपका डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। दो शिकायतकर्ताओं से मैंने सीधे बात की, एक को लेकर के पुलिस से वो मदद चाह रहे थे, उनकी मदद के लिए भी मैंने एसपी को बताया कि इनके संबंध में त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं, मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुआ है, पेंशन की राशि के आधार पर हमारा गुजारा नहीं हो रहा, थोड़ी कठिनाई है, कुछ मदद करना चाहिए। तो मैंने अपने सीएम फंड से उनके लिए 1,00,000 की राशि मंजूर की है ताकि उनका अपना गुजारा ठीक से हो सके। ये मेरे चेक करने का मतलब ये है कि जो सीएम हेल्पलाइन है इसको प्रभावी करना। मैंने सीएम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था, कंप्लेंट डाली थी, मेरा अकाउंट फ्रीज होने के कारण काफ़ी समय से परेशान हो रहा था, 1 साल लगभग हो चुका है। मेरे पास आज सीएम सर का कॉल आया था और उन्होंने मुझे पूछा, समस्या पूछी, सारी चीज़ें डिटेल पूछी उनसे, उन्होंने मुझसे, और फिर मैंने उनको बताया सारी चीज़ें कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ, तो बोले ठीक है, इसका भी समाधान हो जाएगा।